कोरोना महामारी से निपटने के लिए सरकारी आदेशों की धज्जियां उड़ाने वाले वाहन चालकों के पुलिस चालान करने में लगी है। कोरोना के चलते पहले सरकार, जिला एवं पुलिस प्रशासन ने बिना मास्क और हेलमेट के लोगों को अपने वाहन न चलने के आदेश दिए थे। जिला पुलिस ने एक महीने तक वाहन चालकों को इसके बारे में समझाया और मुफ्त मास्क वितरित किए थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री द्वारा अनलॉक 4 लागू किए जाने और कोरोना महामारी के ज्यादा मामलों को लेकर कई वाहन चालक बिना मास्क व हेलमेट पकड़े जाने पर बहस करने लगते हैं और रुतबे का रुआब दिखाने से बाज नहीं आते, लेकिन कई दबंग अधिकारी उन्हें बिना चालान नहीं जाने देते और साथ ही आइंदा बिना मास्क के बाहर न निकलने की सलाह देना भी नहीं भूलते। सेना क्षेत्र में आज तोपखाना पुलिस ने ऐसे ही कुछ चालान किए और उन्हें कोरोना से बचने के लिए मास्क पहनने की सीख भी दी। सर, ये आर्मी एरिया में चालान काट रहे हैं, किस किस के चालान काट रहे हैं और कितने चालान काटे गए? ये विदाउट नंबर प्लेट होंगे, विदाउट डॉक्यूमेंट्स, विदाउट हेलमेट से संबंधित जो भी है उनके चालान काटे जा रहे हैं, और जो मोटे मास्क वगैरह नहीं लगा रहे तो चलों के चल रहे हैं उनके चालान काटे जा रहे हैं। कितने चालान काटे हैं? मैंने सवेरे से करीब 6 चालान उसके किए हैं मास्क के, और करीब 8 चालान विदाउट डॉक्यूमेंट्स वगैरह के चल रहे हैं। सर, इनको समझाया भी जा रहा है भाई मास्क जो जरूरी हो गया, हेलमेट जरूरी है? हाँ, समझाया जा रहा है, लेकिन कई लोग ऐसे आते हैं कि वो ना समझ, पढ़े लिखे भी हैं जो समझते नहीं इस चीज़ को, जो गवर्नमेंट की तरफ से मुहिम चल रही है वो तो लोग समझते नहीं इस चीज़ को, काफ़ी लोग ऐसे हैं बात करते हैं पुलिस के साथ। क्या नाम है आपका? मैं चौकी चार तोपखाना एसआई रविंद्र कुमार।